हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो आज है खुशहाल का बर्थडे और आज है 11 अक्टूबर। तो मैं आपको बर्थडे बॉय से मिलाती हूँ जो कि अभी तक सो रहे हैं और अभी बजे हैं 8। चलो बर्थडे बॉय को मैंने ज़बरदस्ती उठा दिया है। सो मैंने आपको बर्थडे बॉय से मिलाया और अब आज कुछ नहीं, स्पेशल कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं इनके लिए। क्या करना है, कुछ भी स्पेशल नहीं करूँगी मैं इनके लिए। लेकिन आज एक हमें बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिली है कि मैं फाइनली मैं जेठानी बनने वाली हूँ। मेरे देवर जी की इंगेजमेंट हुई है आज। और बर्थडे बॉय अभी उठोगे कि नहीं उठोगे आप? नहीं उठेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी उठ चुके हैं और अब जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत सारी विशेज आ रही थी, रात को भी बहुत सारी विशेज आ रही थी और फोन कॉल्स आ रहे थे, तो अभी थोड़ा लेट हो रहा है। अभी जा रहे हैं हम अपने ऑफिस जाके हम वहाँ से थोड़ा जल्दी निकलेंगे और घर पे आएंगे। देखते हैं घर पे क्या करते हैं सब मिल के, तो चलते हैं। और थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी आप हमें विश कर रहे हो, दिल से लव यू और दिल से थैंक यू। और बहुत जल्द कुछ अच्छा करने वाले। थोड़ा लेट सोया था तो अब उठाऊँ ना क्या था, उसके बाद वापस बात करता हूँ आपसे। बर्थडे बॉय हो चुके हैं रेडी और अभी ये जा रहे हैं अपने ऑफिस। जाना पड़ेगा भाई काम पे। तो हाँ, तो आपको रोक कौन रहा है? जाओ, हम क्यों रोके आपको? चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक बाय। सो सारी डेकोरेशन हो चुकी है। डेकोरेशन मैं आपको दिखा नहीं पाई करते हुए, क्योंकि मैंने सारी डेकोरेशन खुद करी है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी डेकोरेशन रेडी हो चुकी है, मैं वो दिखा दूँगी आपको। और खुशहाल अभी ऑफिस से आ गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए। इनको थोड़ा थोड़ा ऐसा पता चल गया कि मैंने क्या डेकोरेशन किया है, क्योंकि जब मैं डेकोरेशन कर रही थी तब ये घर पे आ गए थे। वैसे ये रोज़ क्या बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, 10 बजे तक आते हैं और आज ये 7 बजे ही आ गए थे। 7 बजे आ गए थे ना आप? 7 बजे ही आ गए थे ये, तो ये 7 बजे आ गए थे। अभी मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए, तो केक लेके आते हैं। तब अभी तक पापा भी नहीं आए। देखिए ये आ गए ऑफिस से। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बेबी। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए। बर्थडे बॉय अभी रेडी होने में टाइम है उनको, वो रेडी हो जाए उसके बाद हम जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हॉल में। सो फाइनली डेकोरेशन रेडी है। कैसा लगा आपको डेकोरेशन? चुपने का क्या फायदा? तो कैसा लग रहा है चुपने को? मस्त एक नंबर। तो भाई साहब आप डेकोरेशन देख सकते हो, इसने बहुत मेहनत करी है इस डेकोरेशन के लिए।
और छोटा सा हम केक छोटा लेके आए इसलिए क्योंकि लोग वेस्ट करते हैं और हम नहीं खाते केक, वेस्ट नहीं करते ना ही हम फेस पे लगाते हैं, तो हमने छोटा केक प्रेफर किया क्योंकि फिर मतलब नहीं यार वेस्ट होता है और कोई किसी गरीब को दो इससे अच्छा, तो हम छोटा सा केक लाए अच्छा सा और बहुत अच्छी उन्होंने डेकोरेशन करी। मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी था, अभी भी मैं ऑफिस से जस्ट आया हूँ, अभी टाइम हो गया 11 बज रही है, और बहुत अच्छा लगा मतलब इतना इतनी अच्छी फैमिली मेरी मॉम। तो इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, मेरा नाम है खुशहाल सारस्वत, जैसे कि आप सभी जानते हो ये मेरी वाइफ और ये मेरी क्यूट सी सिस्टर, और सबसे मेन रोल है इनका, ठीक है, ये है मेरे मम्मा और ये है मेरे डैड, ठीक है, तो मेरे डैड, तो इन्होंने लाइफ में बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज ये घर और ये सब कुछ इन्होंने अपनी मेहनत से किया है, किसी ने इनको नहीं दिया, और आगे ये हमें भी यही चीज़ सिखाते हैं कि आप भी मेहनत करो और खुद का कुछ करो, खुद का नाम करो, किसी के नाम से अपना नाम मत बनाओ, तो हम खुद का नाम खुद से बना रहे हैं और इनके सपोर्ट से आज यहाँ तक है और आगे बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये मेरे मम्मा जो कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और पापा जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे को, ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर मेरे को सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, और हम दोनों की शादी भी इन्हीं की वजह से हुई है, तो इनका सपोर्ट था इसलिए हमारी शादी। कैसा लगा अभी आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब आपकी फोटोशूट, अब हम करेंगे फोटोशूट, यस, और हम बनाएंगे रील्स। तो भाई लोग बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है और लगभग 12 बज चुके हैं और बहुत मज़ा आया आज के दिन, और केक गायत्री केक खा रही है, वैसे इसको नाम अपना अंजलि पसंद है, मैं इसको गायत्री गायत्री करता हूँ तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। केक खा लो, केक खा लो, और हम लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आगे तरक्की करते रहेंगे, आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, और साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। आप में से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। और अपनी शादी में कितना टाइम हुआ? एक साल से थोड़ा सा रुक हुआ है। एक साल और कुछ महीने हो गए हैं, और 4-5 महीने हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं या ये खुश नहीं है तो वो खुद बता दें, बीकानेर आके देख लो, ठीक है, और हम बहुत ही मतलब कहते हैं ना, हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन जिन लोगों ने मेरे को विश किया आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, और आप सभी को आगे ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा और कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में अगर आप सभी का साथ रहा तो, और खाले कोई नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ये लाल वाला बटन दबा के जाएं जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।